Good evening students, myself Vipin Reshamwala. Yesterday we have seen an online session regarding chapter 6, that is Life processes, and we have seen one activity also that uh, how much chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. We have also seen the test that is a starch test, how we can detect that a starch is present in a particular substance or not. सो बाई पोरिंग द आयोडीन सोल्यूशन आयोडीन सोल्यूशन में जब हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं यहाँ पे लीफ हमने कल देखा था मनी प्लांट या क्रोटॉन लीफ हमने देखा था तो द पार्ट इन विच द स्टार्च इज प्रेजेंट दैट विल कन्वर्ट टू ब्ल्यू ब्लैक कलर तो आयोडीन की वजह से ब्ल्यू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज द टेस्ट फॉर दिस स्टार्च प्रेजेंट इन द कंपाउंड नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर

टेक प्लेस इन द लीव थ्रू धीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोतोसिंथेसिस अब बच्चों हमको पता है कि फोतोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यानी इनहेल करते हैं तो कहाँ से करते हैं लीव के क्रो क्लोरोफिल पार्ट से करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इनटेक एंड फ्रॉम द सेम इसी टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ही आर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अकर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम रूट्स एंड लीवस एज वेल तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीवस में से ही बट स्टेम रूट्स एंड लीव्स में से भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कुछ कुछ अमाउंट में निकलता है लीव में से सबसे ज़्यादा निकलता है सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस टोमेटा द प्लांट क्लोजिज पोर वेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटो सिंथेसिस यानी रात के टाइम में ड्यूरिंग नाइट टाइम क्योंकि रात को सनलाइट होती नहीं है तो रात को अगर सनलाइट नहीं होगी तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस तो होने वाला नहीं है तो रात के टाइम पे स्टोमेटा का ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज रहेगा तो ये डायग्राम सेकंड वाला डायग्राम आप देख सकते हो ये सेकंड डायग्राम जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर है जबकि ये जो है वो ओपन स्ट्रक्चर है तो ये जब ओपन होगा स्टोमेटल पोर जब ओपन होगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल बच्चों यहाँ गार्ड सेल होता है ये जो दो दिख रहे हैं आपको येलोइ कलर के जो पोर्शन है गार्ड सेल ये दोनों गार्ड सेल के पार्ट है ओके तो गार्ड सेल अगर ओपन होता है गार्ड सेल स्वेल्स यानी फर्स्ट डायग्राम ए वाले डायग्राम को देखो गार्ड सेल्स यानी फूल जाता है वेन द वॉटर फ्लोज इन टू दू दोर टू ओपन जब ये गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा स्वेल यानी फूल जाएगा तो कब फूलेगा जब उसके अंदर वाटर आएगा पानी आएगा तो पानी जो सॉयल के थ्रू प्लांट लेता है तो स्टोमेटा में वो चीज़ जाती है तो इसकी वजह से जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाएगा फूल जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा सिमिलरली द क्लोज इज इफ द गार्ड सेल श्रिंक श्रिंक यानी इस तरह से दब जाएगा तो जब गार्ड सेल में पानी ख़त्म हो जाएगा या पानी नहीं रहेगा तो गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा तो दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ

फॉर थ्री डेज कल ही मैंने बच्चों बताया था कि डार्क रूम में रखने से होगा क्या कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं पाएगा तो प्लांट अपना जो रिज़र्व स्टार्च मटेरियल जो है जो रिज़र्व फॉर्म में उनके अंदर रहता है वो अप करेंगे एनर्जी एक्वायरेंस के लिए तो जितना भी नया जो कुछ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनने वाला होगा वो नहीं बनेगा एनइंस्टेड क्योंकि उसको डार्क रूम में रखा था तो उन तीन दिनों के भीतर नया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा और जो उनके पास ऑलरेडी जमा फॉर्म में जो स्टार्च होगा वही वो यूटिलाइज करते हैं अपनी बेसिक एक्टिविटीज के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट यहाँ पे ग्लास प्लेट पे रखना है प्लेस द वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये दे ग्लास प्लेट ये पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इसके अंदर रखा है अब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का काम क्या है बाई द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट दोनों में नहीं रखना है किसी एक में ही रखना है हमने यहाँ ए वाले में रखा हुआ है द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे पॉटेड प्लांट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जाने वाला होगा ना वो अंदर जाएगा नहीं क्यों क्योंकि हमने इसके बाहर क्या रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू दिस प्लांट इट विल बी एब्सॉर्ब बाई दिस के ओ एच कवर बोथ द प्लांट विथ सेपरेट बेल जार्स ये है बेल जार्स जो ऊपर है कांच के होते हैं उसको बेल जार बोलते हैं शोन इंग द फिगर

और हमको वापस से आयोडीन जो है उसको लगाना है और आयोडीन लगाने के बाद उसमें कलर चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो लेट मी आस्क यू कि क्योंकि हमने यहाँ के ओ एच रखा हुआ था ए वाले जार में तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ए वाले फ्लास्क में एब्जॉर्ब हो चुका होगा तो द पॉटेड प्लांट इन ए वन विल नॉट बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हैंस नो न्यू स्टार्च विल बी प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर लीव तो ए वाले में किसी भी तरह का कोई भी नया स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होने वाला क्योंकि तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है वहां पर जबकि बी वाले में जो है उसमें स्टार्च का डिटेक्ट किया जाएगा स्टार्च डिटेक्ट होगा और उसके लीव में ब्लू ब्लैक कलर के पैचिस हमको दिखाई देंगे आयोडिन की वजह से प्लग द लीव फ्रॉम ईज प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन अब एक्टिविटी डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च तो नो दोनों में स्टार्स हमको दिखेंगे नहीं ए वाले में हमको नहीं दिखेगा स्टार्स या तो कम दिखेगा जबकि बी वाले में दिखेगा हमको वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैन नॉट परफॉर्म फोतोसिंथेसिस तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया पहली एक्टिविटी में हमने देखा कि क्लोरोफिल के बिना प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ये सेकेंड एक्टिविटी सिक्स पॉइंट टू में हमने देखा कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो फोटो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल ये दोनों तो एसेंशियल चीज़ें हैं ही सिमिलरली बच्चों बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म अबव कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली सनलाइट में भी हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं तो कैसे टेस्ट करेंगे आपको क्या करना है कि एक लीफ लेना है और वो लीफ के आगे और पीछे एल्यूमिनियम फॉइल ढक देना है कुछ पार्ट में पूरे के पूरे लीफ को नहीं ढकना है कुछ पार्ट में उसको ढक देना है और उसको सनलाइट में रखना है हमको ओके okay? फिर मतलब जैसे पहले उसको डार्क रूम में रखा तीन दिन तक फिर उसके बाद बाहर उसको लेके उसमें से एक लीफ प्लग किया और फिर एल्यूमिनियम फॉइल उसके आगे और पीछे दोनों जगह वो स्टेपलर मार सकते हो किसी भी तरह से उसको चिपका के रख सकते हो बट पूरे के पूरे लीफ पे नहीं लेट मी ड्रॉ सपोज़ के ये लीफ है ओके okay? सपोज ये लीफ है तो लीफ पे समझो कि इतना ही पार्ट पे एल्यूमिनियम लगा दो तो बस जबकि वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको तो इसमें ये लीफ एक्सपोज रहेगा और इसको आप लोगों को रखना है सनलाइट में ओके फिर उसके बाद आपको ये लीफ को टेस्ट करना है आयोडीन सॉल्यूशन से तो व्हाट विल बी देअर ऑब्जर्वेशन तो सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होगा जब आयोडीन में ये पूरा का पूरा लीफ जब हम डिप करेंगे तो जो वाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको ब्लू ब्लैक पैचेस आ जाएंगे क्योंकि वहां पे सनलाइट रिसीव हुई थी तो उस एरिया में स्टार्स बना था जबकि ये एल्यूमिनियम वाला फॉइल है ना जहां पे हमने एल्यूमिनियम रखा था वहां पे सनलाइट गई नहीं है तो वहाँ पे किसी भी तरह से ये फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं होगा इसे ब्लू ब्लैक के पैचेस वहां पे डिपॉजिट नहीं हुए होंगे तो वहां पे पूरा प्लेन ही रहेगा ओके सो इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट दैट सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सो फॉर वी हव टॉक्ट अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप मीट देर एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी तक हमने देखा प्लांट्स किस तरह से अपनी एनर्जी बनाते हैं अपना खाना बनाते हैं

वो सॉइल में से ही प्लांट लेता है तो पानी के साथ साथ ये सारे मिनरल्स जो होते हैं नाइट्रोजन हो गया फॉस्फरस हो गया ये सारे के सारे हमको सॉइल uh, में से ही मिलते हैं यानी प्लांट को नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड अपनी बॉडी में जो डीएनए बनता है ना बच्चों वो डीएनए के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है चार तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए के अंदर तो ये कहाँ से मिलेगा प्लांट को तो प्लांट को जमीन के अंदर से नाइट्रोजन खींचना पड़ता है दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स होता है बॉन्ड एनो थ्री जबकि नाइट्राइट्स होता है बॉन्ड एनो टू ये फॉर्मूलाज है इनके याद रखना और इट इज टेकन अप बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है फ्रॉम द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आप सभी को बच्चों याद होगा राइजोबियम बैक्टेरिया जो रूट नॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है तो कुछ तरह के इस तरह के बैक्टीरिया है नॉस्टॉक है एनाबेना है देन राइजोबियम बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं एटमोस्फियर में जो सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो एब्जॉर्व करते हैं और उसमें से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर और वही कंपाउंड्स को फिर प्लांट जो है वो पानी के साथ वो ले लेता है तो दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग द प्लांट नाउ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक मीन्स हम भी इसमें आ गए कई तरह के फंगी इसमें आ गए बहुत सारे आ गए सी ईच ऑर्गेनिज्म इज टू इट्स द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफॉर डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटीरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑबटेन बाई द ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड इज अ सोर्स स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल दैट इज मूविंग मोबाइल यानी मूविंग कोई मूव करता है सच एज डियर ग्रास कौन खाएगा बच्चों तो काव गोट ये सब ग्रास खाएंगे डियर वगैरह सब घास खाएंगे तो इस टाइप के फूड को स्टेशनरी फूड बोलते हैं जबकि मोबाइल फूड मोबाइल यानी कि मूविंग मूव करता हुआ कौन है तो जैसे एनिमल्स हो गए डियर हो गया रैबिट हो, हो गया ये सब एम मूविंग है इनको कौन खाता है तो इनको कार्निवर्स ऑर्गेनिजम्स खाते हैं वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड वॉट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटर्स यूज बाई एंड द लायन क्या काव और लायन दोनों का सेम तरह का न्यूट्रिशन होता है

ये सब क्या करते हैं अपना जो उनका जो खाना होता है वो बाहर तोड़ते हैं और उसमें से ही फिर बाद में एक्वायर करते हैं अदर टेक इन द होल मटेरियल बाकी पूरा पूरा जैसे हम पूरा पूरा चबा जाते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इन द इन साइड दर बॉडी वॉट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग हम अंदर क्या खा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर किस तरह का डाइजेशन होगा तो वो डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे सम अदर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग दैम जैसे कि पैरासाइट्स हो गए बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज बाय वाइडली ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कटा दैट इज अमरबेल ऑर्किड्स टिक्स लाइस लीचेस टैपॉम अब इन सभी की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं या कस्कटा तो अगर देखिए अमरबेल जिसको बोलते हैं ये एक बोलते हैं ना मनी प्लांट के साथ वैसे बेल है ये ऑर्किड टाइप के फ्लावर्स रहते है हैं तो वो सब टिक्स टिक्स यानी वो छोटी छोटी जो जीवात बोलते हैं जो है ना काऊ के ऊपर ये सब होती है चिपकी हुई होती है छोटे छोटे जो जंतु होते हैं ये लाइस आपको पता होगा जूह जो हमारे बालों में नॉर्मली बचपन में होती थी जूएं लीचिस ये लीचिस तो बहुत ही खतरनाक होता है अपनी बॉडी में से खून शक करता है जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्टेड एरिया में ये पाए जाते हैं ब्राउनिश कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं अपने पैर से हाथ से चिपक जाते हैं ना तो इसको छुड़ाना भी मुश्किल होता है एंड टैपॉर्म्स टैप फॉम बच्चों आपको पता ही होगा छोटे छोटे वॉम्स होते हैं जो हमारे पेट में भी होते हैं बट कुछ अमाउंट में होते हैं ये तो वॉमिटिंग वगैरह कभी कभार जब होती है तो बिकॉज ऑफ दिस टेपॉर्म तो ये होता क्या है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हमको ये मार नहीं देते हैं जैसे जू हो गई देन लीचीज हो गए टैप फॉम हो गए टिक्स हो गए तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होते हैं कुत्तों के ऊपर देखे होंगे छोटे छोटे जंतु होते हैं काओ बुलॉक्स घोट इन सबकी सभी के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ये सब होते हैं तो ये सब जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं ये मार नहीं देते हैं इन जो भी उसका होस्ट होता है बट उसको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं क्योंकि उनमें से वो खाना डिराइव करते हैं इसीलिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर न्यूट्रिशन इन अमीबा अमीबा के बारे में आपको पता ही होगा शेपलेस ये ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये है सिंस द फूड एंड द वे इज ऑप्टेन डिफरेंट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म सभी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग रहता है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस हमने पहले भी डिफ्यूजन देखा था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के थ्रू ही खाने को ले लेता है इसके अंदर कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होती है बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज डिफरेंट पार्ट बिकम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अमीबा की शॉर्ट नोट है तीन मार्क में पूछते हैं अमीबा टेक्स इन फूड ड्यूरिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जिसको हम सुडोपोडिया भी बोलते हैं ये देखो बच्चों सूडोपोडिया ये फूड पार्टिकल है छोटा सा फूड पार्टिकल है ये फूड पार्टिकल जो होता है पानी वगैरह में ये छोटा होता है तो इसको लेता है सूडोपोडिया क्रिएट करके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो ना आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये ऐसे शेप क्रिएट करता है इस तरह का शेप है ये इसको सूडोपोडिया बोलते हैं ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल ये जैसे इसको अंदर लेकर तो देखो ये फूड वैक्यूल हो गया देख रहे हो आप इसको ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया एक हवा का गुब्बारा जिसके अंदर पानी आ चुका है इसको अपनी बॉडी में उन लोगों ने ले लिया अमीबा ने इन साइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर वन देन डिफ्यूज इंटू द साइटोप्लाजम तो इसी फूड वैक्यूल के अंदर वो जो भी खाना होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी को उसके साइटोप्लाजम में डिफ्यूज कर देते हैं द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव थ्रू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट तो जो अनवॉन्टेड पार्ट होता है जो नहीं डाइजेस्ट हुआ होता है वो वैसे इस टाइप का फिंगर लैग प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं और अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन पैरामेशियम पैरामेशियम आपने देखा होगा बच्चों चप्पल जैसा शेप होता है इसका अगर देखा हो तो विच इज ऑल्सो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म सेल हैज द डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट देखो बच्चो अमीबा और पैरामीशियम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अमीबा अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में फूड वैक्यूल को बना लेता है जबकि पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता पैरामीशियम में फूड पार्टिकल एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही जाके उसको खा सकता है अदरवाइज पूरे बॉडी पार्ट से वो नहीं खा सकता इसकी तरह अमीबा की तरह फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया जो सपोज के ये अमीबा है तो अमीबा की बॉडी पे है ना छोटे छोटे ना सीलियाज होते हैं छोटे छोटे सीलियाज होते हैं ये डायग्राम तो अभी इतना वो नहीं है खास बट आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा उसकी बॉडी में छोटे पैर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो सीलिया बोलते हैं विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल तो सपोज के ये जो साइड है यहाँ पे ही ये अमीबा जो खा खाना ले सकता है तो सीलिया उसको पुश करते 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 इस स्पॉट तक लाएगा उस स्पॉट तक लाएगा एंड देन पे अपना खाना खाएगा तो यूनिसेलर में सिंपल होता है बॉडी जो होती है उनके थ्रू खाना बॉडी के अंदर जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है या है इसी तरह से बाहर निकल भी जाता है नॉ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट देट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पांच मार्क या चार मार्क में इसको पूछते हैं एक्चुअली पांच मार्क की शॉर्ट नोट अब नहीं है पहले होती थी तो चार मार्क में इसको पूछते हैं तो लेट्स इंपॉर्टेंट हर एक लाइन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से इसको देखना द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस एलिमेंट्री कैनल हमारे मुंह से लेके हम जहां से अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं एनस जहां से हम टॉयलेट करते हैं तो वहां से मुंह से लेके जहां से तक टॉयलेट हम करते हैं पूरा जो कैनल है जहां से खाना पास ऑन होता है इस पूरी चैनल को एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है कैनल यानी कि ट्यूब बोल सकते हैं आप उसको वी कैन सी दैट द ट्यूब हेज डिफरेंट पार्ट्स अपनी जो मुंह से लेके रेक्टम तक यानी कि टॉयलेट जहां से हम करते हैं रेक्टम इसको एन एस पकड़ के चलते हैं हम लोग तो वहां तक पूरे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं हर एक पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन है वॉट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स द बॉडी वी शेल डिस्कस दिस इन द प्रोसेस हियर तो क्या होता है उससे पहले एक और एक्टिविटी हम लोग देखेंगे एक्टिविटी सिक्स पॉइंट थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टेक वन एम एल स्टार्च सोल्यूशन दन पर्सन अब इसका मतलब समझो बच्चों वन परसन का मतलब क्या होता है सौ एम एल पानी में एक एम एल हमको स्टार्च लेना है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट आलू है बराबर है तो उसका एक परसेंट यानी स्टार्च यानी कि एक एम एल बहुत ही कम है ये इन टू टेस्ट ट्यूब ए एन बी दो टेस्ट ट्यूब में लेना है एड वन एम एल सलाइवा सलाइवा यानी हमारा मुँह का जो थूक होता है उसको सलाइवा बोलते हैं इन टेस्ट ट्यूब ए ए वाली टेस्ट ट्यूब हमको सलाइवा एक एम डालना है एंड लीव बोथ ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर ट्वेंटी मिनट्स फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रख देना है हमको याद रखना स्टार्स दोनों में था बट सलाइवा हमने सिर्फ ए वाली टेस्ट ट्यूब में डाला नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डायल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब आयोडीन सोल्यूशन डालना है आयोडीन वापस याद करा दू कि स्टार्च की टेस्ट हमको पता था ये इन विच टेस्ट डू यू ऑब्जर्व द कलर चेंज तो इन टेस्ट ट्यूब बी कोई बता सकता है क्यों टेस्ट ट्यूब ए में हमने सलाइवा डाला था सलाइवा का काम क्या होता है बच्चों तो सलाइवा जो होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा उसको तोड़ देगा तो टेस्ट ट्यूब ए में तो अब स्टार्च बचा ही नहीं वो तो टूट चुका है अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है तो इसलिए आयोडीन डालने के बाद भी टेस्ट ट्यूब ए में हमको कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा जबकि टेस्ट ट्यूब बी में अभी हमने

माल्टोज माल्टोज एक टाइप का शुगर ही है बट पूरा कंप्लीट नहीं है ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर देता है तो जैसे हमने ग्लूकोज देखा फ्रुक्टोज देखा वैसे ही माल्टोज है बट माल्टोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बहुत ही सिंपल है सो नाउ लेट सी हमारे अंदर क्या होता है ह्यूमंस के अंदर क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट तो का सबको समझ में आ गया होगा कि क्या काम है वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास टू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक हम दिन भर में कई सारी चीज़ें खाते रहते हैं अब उन सभी का जो टेक्स्चर होता है वो सेम नहीं होता है अगर हमने आइसक्रीम खा ली तो आइसक्रीम तो बहुत सॉफ्ट है अगर हमने रोटी खा ली तो रोटी थोड़ी हार्ड होती है उससे अगर हमने कुछ मूँगफली खा ली अगर हमने कुछ और खा लिया जो एकदम थोड़ा हार्ड है जैसे हमने कोई चॉकलेट वगैरह चबा ली ऐसा कुछ किया हमने देन अगर हमने कोई पापड़ वगैरह खा लिया तो हम दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जिसको सेम ट्रैक से सेम एलिमेंट्री कैनल से पास होना पड़ता है नेचुरली द फूड हैज टू बी टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर हम जो भी खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम जैसे ही हम कोई चीज हमारे माउथ में डालते हैं तो उसका हम क्या करते हैं उसको हम चबाने लगते हैं तो जैसे कि कोई हार्ड चीज हो गई तो उसको जब तक च्यू नहीं करेंगे तब तक वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और सिंपल सा आपने लॉजिक देखा ही होगा कि जैसे ही हम कोई भी चीज़ को चबाने लगते हैं हमारे मुंह में सलाइवा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है और वो खाना हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है और सलाइवा क्या करेगा बच्चों तो स्टार्च मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट करने लग जाएगा दिस इज अचीव बाई क्रशिंग द फूड विथ अवर टीथ सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट हमारे जो गले के अंदर की जो पूरी लाइनिंग होती है सॉफ्ट होती है द फूड इज वेटेड टू मेक इट टू पास स्मूथ फूड जो होता है वो वेट हो जाता है बाई द एक्शन ऑफ सलाइवा वेन वी ईट समथिंग लाइक अवर माउथ वॉटर्स अपना मुंह में पानी आ जाता है जब भी हम कुछ खाते हैं जो एक बात समझ लो ग्लैंड ये वर्ड ग्लैंड बहुत बार आएगा हमारी बॉडी में कई तरह की ग्लैंड है जैसे सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करती है हमारी टंग के नीचे होती है ये देन uh, uh, अपना स्वेट ग्लैंड जिससे हमको पसीना होता है ये पूरे हमारे स्किन के अंदर वाली लेयर में होता है स्वेट ग्लैंड देन लीवर ग्लैंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड कई तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड कई तरह की ग्लैंड होती है जिसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है इन शॉर्ट अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इन्जेस्ट यानी हमने लिया खाना हमने शुरू किया इज ऑ कॉम्प्लेक्स नेचर बहुत ही अलग नेचर का कॉम्प्लेक्स पिज्जा बर्गर कुछ भी तुम खा लो तो वो हरे का शेप और टेक्सचर सेम नहीं होता है इफ इट इज टू बी एब्जॉर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम्स तो सबसे पहले जैसे ही हम खाना खाते हैं उसको चबाने लगते हैं तो हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है उसमें सबसे पहला एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमिलेज। ये सलाइवरी एमिलेज एंजाइम जो है सबसे पहले यहाँ पे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने लगता है स्टार्च को तोड़ने लगता है माल्टोज में कन्वर्ट करता है याद रखना शुगर डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता माल्टोज में कन्वर्ट करता है द फूड इज मिक्स थरली विद मूड अराउंड माउथ चूइंग बाय द मस्क्य टंग हम हमारी जीप का इस्तेमाल करते हैं खाने को अंदर ही घुमाने के लिए तो एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शुरू कहाँ होता है तो माउथ के अंदर से ही शुरू हो जाता है ऐसा नहीं है कि स्टमक में जाने के बाद शुरू होता है माउथ के अंदर से ही शुरू हो जाता है खाना डाइजेस्ट होना इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलर मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट द लाइनिंगस ऑफ द कैनल हैज द मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इनऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड दिस पैरास्टाइल्टिक मोमेंट अकर्स अलॉन्ग थ्रू द गट गट यानी कि एलिमेंट्री कैनल समझो बराबर ये देख रहे हो ये पाइप ये पूरा पाइप ये पूरे पाइप के अंदर मसल्स होते हैं ये मसल्स जो होते हैं अब जैसे ही खाना हम निकलते हैं खाने को जैसे ही हम गल्प करते हैं तो यहाँ पे खाना जो है अपने आप नीचे जाएगा अगर तुम सो के भी खाना खाओगे ना बच्चों तो भी वो खाना नीचे जाने ही वाला है ऐसा नहीं है कि खाना बाहर निकल आएगा तुम इसको जैसे ही निकलोगे ना तो यहाँ पे मोवमेंट होता है अलग अलग टाइप का मोमेंट होता है इसको पैरास्टाइल्टिक मोवमेंट बोलते हैं और सीधा खाना जाएगा तुम्हारे स्टमक के अंदर फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप ये फूड पाइप है और एसोफेगस इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं लंबा फूड पाइप या तो ईसोफेगस ये माउथ हमने देखा बक्कल कैविटी यानी कि ये बहुत ही बड़ी कैविटी जहां पे हम चबाते हैं उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं ये टंग हो गया अपना द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन स्टमक स्टमक ये अपना स्टमक है आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी ऑर्गन है सबसे बड़ी ऑर्गन लीवर है बच्चों ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ऑर्गन जो है वो लीवर है द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड वेन द फूड एंटर्स इट स्टमक एक्सपांड होता है जब भी, भी हम खाना खाएंगे तो स्टमक एक्सपांड होगा बढ़ेगा उसकी साइज थोड़ी बढ़ेगी वेन द फूड एंटर्स इट द मस्क्यूलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्थ इन द मिक्सिंग ऑफ फूड थ्रू आउट विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस अब समझो इस चीज को जैसे ही खाना अंदर जाएगा ना यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें होती है जैसे डायल्यूट एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कहाँ से आया तो हमारे पेट में भी एक ग्लैंड होती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती है एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कई तरह के जिसमें अपना एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन सेकंड होता है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक इफेक्ट क्रिएट करता है जो भी हम खाना खाते हैं ना उसको तोड़ने में प्लस कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर खाने में आ चुका हो तो उसको भी खत्म कर देता है ये एंड एक म्यूकस लेयर होती है ये म्यूकस लेयर का काम क्या होता है बच्चों क्योंकि अपने पेट में एसिड है तो म्यूकस लेयर या एसिड की लाइनिंग्स पे जमा हो जाता है ताकि स्टमक को एसिड से कोई खतरा ना हो ओके दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाई द गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें प्रोड्यूस करती है मैंने बताया डायलोड पेप्सिन ये एक एंजाइम है और म्यूकस प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है तो स्टमक की वॉल्स के अंदर दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड म्यूकस ये म्यूकस लेयर होती है जो एसिड एक्शन से स्टमक को बचाता है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट द एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एनजाइम पैप्सिन जब तक ये एथसियल नहीं होगा तो ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो इनएक्टिव पैप्सिनोजन करके होता है उस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है किसकी वजह से डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जब तक ये पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा ना तब तक हम जो खाते हैं प्रोटीन वाला कोई भी खाना खाते हैं जैसे सोयाबीन हो गया चने हो गए ग्राउंडनट हो गया ये सब प्रोटीन वाला है मूंग दाल हो गई ये सब कुछ है तो ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सव बाय द एसिड तो एसिड जो होता है बच्चों वो बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है म्यूकस क्या करता है म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन तो देखो बच्चों जब नॉर्मल कंडीशन है एसिड कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो ठीक है बट जब कभी ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है तब एसिडिटी होती है वी हैव ऑफन हर्ड अबाउट अडल्ट कम्पलेनिंग अबाउट एसिडिटी कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट है अब एसिडिटी के बारे में मैं तुमको बताऊं एसिडिटी क्या होता है तो एसिडिटी जो है बच्चों जब कभी भी हम खाना खाते हैं ना या रेगुलर टाइम पे जब हम खाना खाते हैं उससे पहले ही अपनी बॉडी इस तरह से एडजस्ट हो गई होती है कि खाना अपनी बॉडी में आए उससे पहले कुछ अमाउंट ऑफ एच अपनी स्टमक में ऑलरेडी आ जाता है तो वो एसिड आना जरूरी है क्योंकि हम जैसे ही खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करना है तो एसिड उसको थोड़ा ब्रोकन ब्रोक broke करेगा उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेगा अब जब कभी भी हम खाना नहीं खाते हैं ना या ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उस टाइम पे तो तब क्या हुआ खाना तो हमने खाया नहीं है तो पेट में एसिड अभी भी है तो ये एसिड रिफ्लक्स करेगा यानी ऊपर ऊपर तक आएगा तो उस केस में हमको जलन जलन जैसा लगेगा हमारा हार्ट बर्न करने लगेगा और ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो इस चीज़ को एसिडिटी बोलते हैं बच्चों तो एसिडिटी तब होता है जब हमारी स्टमक में कुछ ज्यादा ही एसिड डेवलप हो जाता है या तो हम कुछ तीखा वगैरह खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो ज्यादा एसिड डिपोजिट कर देती है तो उस टाइम पे इस तरह से हो सकता है सो द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाई द स्पिंचर मसल वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो ये स्टमक है स्टमक से ये जाता है यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो यहां पे एक छोटा सा मसल होता है ये मसल होता है स्पिंचर मसल इसको स्पिंचर मसल बोलते हैं दूसरा ऐसा मसल एक और भी है मैं बताऊंगा एंड में क्या है सो द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक हमने जो खाना खाया इसोफेगस से पास होकर स्टमक में आ गया अब स्टमक में आने के बाद वो कहा गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वो ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता है वहाँ स्पिंचर मसल होता है ये स्पिंचर मसल उसको ढकेलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विच रिलीज इंटू द स्मॉल अमाउंट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े थोड़े अमाउंट में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज़ फिटेड इन टू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिटवीन बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉयलिंग देखो ये बच्चों कॉयलिंग इसको बोलते हैं इस टाइप के मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ही बता दू मैं कॉइलिंग ये देखो ये किस तरह से पूरा अंदर मुड़ा हुआ है ये तो देख रहा हूँ ना इसको कॉइलिंग ये बाहर है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों जो अंदर है ना मैगी नूडल्स जैसा दिख रहा होगा तो दैट इज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये बहुत ही लंबा होता है अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट है ये तो छोटी सी कॉम्पैक्ट स्पेस में अरेंज हो चुका है इस तरह से कॉइलिंग की वजह से मुड़ मुड़ के ऐसा तो कितना लंबा है तो लेट सी टोटल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छः से सात मीटर लंबा हो सकता है सिक्स टू सेवन मीटर्स लॉन्ग पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टेक्सबुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया है तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट डिओडेनम डी यू ओ डी ई एन यू एम सेकेंड जेजुनम एंड थर्ड ईलियम ये तीन पार्ट है इसमें से जो डिओडेनम है वो वो सबसे छोटा पार्ट है जस्ट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर टू थर्टी सेंटीमीटर जितना होता है और ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है जेजुनम जो है वो डिओडनम और एलियम को कनेक्ट करता है जो कि राउंड अबाउट टू पॉइंट फाइव मीटर जितना होता है जबकि एलियम सबसे लंबा पार्ट होता है जो कि तीन मीटर तक का हो सकता है तो टोटल इन ऑल अगर देखोगे आप तो सिक्स टू सेवन मीटर का ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया अगेन रिपीटिंग देर आर थ्री पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द वेरी शॉर्टेस्ट पार्ट इज द डिओडनम विच कनेक्ट स्टमक टू इंटेस्टाइन the second part is jejunum which is connected to duodenum and ileum which is of 2.5 meter while duodenum is just 25 to 30 centimeter while ileum is the longest part of the small intestine and it is of 3 or 3.5 meters we can say in all the total length of small intestine is 6 to 7 meters long the length of the small intestine differs in various animal depending on the food they eat अब सभी के अंदर ऐसा नहीं होता ये तो आपने ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूं सभी के अंदर ऐसा नहीं होता है किसी किसी में थोड़ा बड़ा होता है किसी किसी में छोटा है होता है तो किस कौन से ऑर्गेनिज्म में बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और कौन से ऑर्गेनिज में छोटा होगा लेट सी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक आपका रीजन भी है हरबीवर ईटिंग ग्रास नीड्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोर्स टू बी डाइजेस्टेड अच्छा जो घास फूस होता है ना उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलो को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वी कैन से कंटिन्यूस uh, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है हर्बीवरस में यानी डियर हो गया काव हो गया गोट हो गया इन सब में मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट मीट जो होता है वो ईजी होता है डाइजेस्ट करने में हेन्स कार्निवर्स लाइक टाइगर्स हैव द शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक रीज़न है कि भाई हैव द लॉन्गर एंड द कार्निवर्स स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन तो so बिकॉज herbivorous has हैज़ digest डाइजेस्ट which विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मटीरियल तो सेलूलोज घास फूंस खाते हैं ना उसमें सेल्यूलोज होता है हम लोग घास फूंस नहीं खा सकते हैं ये वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा हर्बी वर्स में हो जाता है जबकि कार्निवरस कोई घास फूंस नहीं खाते वो लोग मीट वगैरह ये सब खाते हैं तो इसलिए उनको बड़े इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट व कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स का होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम खाना खाते हैं वो उसके असल फॉर्म में जो रेगुलर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट्स का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इट द सेक्रेशन ऑफ लीवर लीवर में से जूस आता है लीवर एंड पेनक्रियाज में से जूस आता है तो ये काम करने के लिए कौन कौन सी चीज कहाँ से आती है ध्यान से समझना द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक क्योंकि उसके अंदर डायलिड एसियल होता है जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वो थोड़ा एसिडिक होता है एंड इट हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन अल्कलाइन यानी उसको न्यूट्रल करना होता है थोड़ा बेसिक बनाना होता है एसिड वाला खाना अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट तो पेनक्रियाज में से जो एंजाइम्स आते हैं बच्चों जो फैट्स को तोड़ेगा जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा जो प्रोटीन्स को तोड़ेगा तो वो पेनक्रियाज में से एंजाइम्स आते हैं तो ये एंजाइम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वो स्टमक से एसिडिक मीडियम में जो खाना आया है उसको हम बेसिक नहीं बना देते यानी बेस वाला नहीं बना देते उसको न्यूट्रल नहीं कर देते यानी हम यानी कि अपनी प्रोसेस में बाइल जूस वेरी इंपॉर्टेंट बाइल ज्यूस फ्रॉम द लीवर अकम्पलिश दिस इन एडिशन टू द एक्टिंग ऑन फैट्स बच्चों बाइल ज्यूस दो काम करता है पहले कहाँ से आया बाइल ज्यूस तो ये लीवर ने दिया लीवर प्रोड्यूस करता है तो ये दो काम करता है बाइल जूस जो है वो एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है और दूसरा फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने सपोज के चीज खा लिया अगर हमने बटर खा लिया तो वो फैट मॉलिक्यूल्स होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं ना कि तो उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो बाइल जूस पहले इसको इमलसीफाई करेगा इमलसीफाई यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एनजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम तो सबसे पहले तो बायल जूस जो बायल सॉल्ट होते हैं जो बाइल जूस में होते हैं ब्रेक्स दैम डाउन इन द स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशंसी ऑफ एनजाइम एक्शन तो यहाँ पे बाइल ज्यूस जैसे ही फैट मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करेगा जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसको छोटे पार्टिकल्स में फैट में कन्वर्ट करेगा बाद में पेनक्रिया से जो एनजाइम्स आएंगे वो एनजाइम इन फैट मॉलिक्यूल्स को और भी छोटे में कन्वर्ट करेगा दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप ऑन डर्ट ये फोर्थ चैप्टर में इतना फिलहाल समझ लो कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइंग एक्शन बोलते हैं द पेनक्रियाटिक या पेनक्रिया सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बाइल जूस पेनक्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाटिक जूस से आता है दो तरह के एंजाइम्स होते हैं पहला होता है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा प्रोटीन्स के ऊपर लाइपेस किसके ऊपर एक्ट करेगा फैट्स के ऊपर ओके दॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड होती है वो भी इंटेस्टाइनल में जूस प्रोड्यूस करती है द एंजाइम प्रेजेंट इट इज फाइनली कन्वर्टेड इंटू प्रोटीन टू एमिनो एसिड जो भी प्रोटीन होता है उसको हमारी बॉडी में एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज हम जो भी खाना रोटी सब्जी चावल वगैरह जो खाते हैं सब्जी तो नहीं चावल और रोटी जो खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स में जबकि फैट्स जो होगा उसको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा तो ग्लिसरॉल भी एक तरह का अल्कोहल होता है जो अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो तीन चीजें यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ट हो गई प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फैट्स किस में कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ये कौन कन्वर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन जो खाना डाइजेस्ट हो गया यानी एमिनो एसिड ग्लूकोज एंड ग्लेस या फैटी एसिड ये पूरी तरह से अब सेल्स तक पहुंचने के लिए रेडी हो गया है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द न्यूमरस फिंगर लाइक विली या विलाई वेरी इंपॉर्टेंट ये विली ना ये ऐसा कुछ होगा ये सपोज ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर इस तरह से अगर अपने बाल ड्रॉ कर ना तो इस टाइप के ये विली होते हैं बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं तो ये क्या करेंगे ये एमिनो एसिड्स है ग्लूकोज इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा विच इंक्रीज द दर्फेस एरिया फॉर द आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल इनके साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं तो ब्लड के साथ ये फूड पार्टिकल्स यहाँ जो होंगे ये फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएंगे वेर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने मिल गया हमको फैट्स मिल गया हमको एमिनो एसिड्स मिल गया ये सारे विलाई के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल्स तक पहुंचेंगे और वहाँ पे पूरी तरह से इसका डाइजेशन आई मीन मिल जाएगा सारे सारे सेल्स को और ये सारे सेल्स को मिलने के बाद क्या होगा तो एनर्जी अपनी बॉडी को मिलेगी नए टिश्यूज बनते रहेंगे जो पुराने या ओल्ड टिश्यूज है वो रिपेयर हो जाएंगे द अनएब्जॉर्बड फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन ज्जॉर्ब वाटर फ्राम दिस मटीरियल जो अनऐब्जॉर्ब फूड हुआ जो काम का फूड नहीं है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा बच्चों तो वो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में भी सेम इस टाइप का विली लाइक -like प्रोजेक्शन होता है तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगा पानी को ज्यादा से ज्यादा खींच लेगा द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाई एनस देखो दो चीज़ों दो तरह से रिमूव होता है पहले जो हम यूरिनेट करते हैं जो यूरिन करते हैं तो उसमें ज़्यादातर वाटर होता है एमिनो एसिड्स होता है यूरिया होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि हम जो टॉयलेट करते हैं तो उसमें सॉलिड फॉर्म में स्टूल उसको बोलते हैं तो वो जो भी अपनी बॉडी का अनडाइजेस्टेड पार्ट या वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब स्टूल में निकल जाता है द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाई द एनल पिंचर जैसे मैंने बताया था पहले कि स्टमक में मस्कुलर स्पिचर होता है जो खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है वैसे ही एनल स्पिंचर होता है हमारे जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं ना बच्चों तो टॉयलेट की जगह पे वहाँ पे स्पिंचर होता है जो रिलीज तभी होगा जब हम चाहेंगे उसको ओके तो ऐसे ही रिलीज नहीं हो जाएगा अनलेस एन अनटिल इट इज़ इन इमरजेंसी अदरवाइज तो एनल स्पिंचर को हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं ओके सो दैट वॉज द होल प्रोसेस ऑफ हाउ द फूड इज़ इंटेक्ड एंड हाउ द फूड इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी फूड मीन के जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फुलट वे आपको डायग्राम के थ्रू ही डायग्राम भी आपको आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल द माउथ इज दार्ट वेर द फूड एंटर्स अलॉन्ग विद एंड सलाइवर द फूड गेट्स डीकम्पोज हियर जो खाना जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे कन्वर्ट होगा बाई द एंजाइम एक्शन कॉल सलाइवरी एमिलेज then that chewed food is enter in this esophagus it will travel through this esophagus via peristaltic movement peristaltic movement ke through wo and enter karega. it will enter in the stomach now in stomach there is a gastric gland this gastric glands uh, produce three type of substance dilute hydrochloric acid mucus and pepsin inactive pepsin there the food enters in the stomach and starts to digest after the food is coming to this small intestine, food enters the small intestine via muscular sphincter. So first of all, what the gastric gland components will do? The dilute hydrochloric acid is acidic. It will start to digest food, and along with that, it will kill bacteria and harmful pathogens which comes along with the food. Second is mucus. What will mucus do? Mucus will protect the inner lining of the stomach, which helps the stomach lining from the actions of acid.

It is around about six to seven meters long, and uh, this small intestine has three parts. That is duodenum, which is the very smallest part of twenty-five centimeter around, then jejunum, which is around two point five meter, and the longest part of the small intestine that is ileum, which is around about three to three point five meter. In small intestine, two types of secretions are there. First will be coming from the uh, liver, that is a bile juice, bile duct. This is called a bile duct, your liver will come. इट कंटेन्स द मीडियम टू कन्वर्ट इन टू अल्कलाइन सोल्यूशन जो एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टन में आया है इसको बेजिक करने के लिए जूस प्रोड्यूस करता है एंड अलॉन्ग विद डैट एंड एनजाइम इज देयर विच इज यूज टू डीकम्पोज दैट फैट मॉलिक्यूल्स इमल्सिफिकेशन करने के लिए फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए सेकेंड वन तो लीवर में से लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी देन पेनक्रियाज फ्रॉम पेनक्रियाज ऑल्सो देर आर वेरियस एनजाम फर्स्ट ऑफ ऑल trypsin enzyme is used to convert protein molecules, then lipase enzyme. Lipase enzyme is used to convert a fat that is emulsified molecules. Okay. Then the digested food from small intestine is moving through villi, assuming a finger-like projection wo villi ke through absorb by the blood capillaries, and then it will pass on through all the cells of the body and reaches all the part of the body for the cell repair or new cells production and all. द अनडाइजेस्टेड फूड इज पासिंग थ्रू अ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज इसको कोलॉन भी बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को वेट द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव आउट थ्रू द एनएस एनएस के थ्रू निकल जाएगा जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है वो यूरिन होता है जबकि सॉलिड फॉर्म में जो निकलता है वो स्टूल इसको बोलते हैं एंड दैट इज फ्रॉम द एनल स्पिंचर सो इन दिस वे दिस इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इफ एनी मोर क्वेश्चन आस्क मी इन मैसेज और बाय कॉल A very important topic it was and the main thing that the whole particular process of digestion takes place in small intestine but the digestion process starts in mouth but the process completes in small intestine okay so these all things are there you need to remember that was for this uh, topic remaining chapter i will be conducting in next video thank you very much